क्या दोस्तों आपके बाल बढ़ते नहीं हैं? बाल बहुत ज्यादा रूखे, बेजान, बिल्कुल झाड़ू जैसे लगते हैं, या फिर आपके बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं, गिरते हैं? तो आज की वीडियो खास आपके लिए है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक होममेड हेयर सीरम, जिसको हम घर में बनाना सीखेंगे और इसका पूरा पूरा फायदा उठाएंगे। इस हेयर सीरम को बनाने के लिए हमें सारे घर के इंग्रेडिएंट्स की ही जरूरत होगी। बस इसको आप बना के स्टोर कर सकते हैं और इसका पूरा पूरा फायदा ले सकते हैं। इसे इस्तेमाल करने से आपके बालों से जुड़ी कोई भी परेशानी है वो सब खत्म होने लगती है। और वैसे भी दोस्तों सर्दी के टाइम में ना ही ऑयलिंग करने का मन करता है बालों में, ना ही कोई हेयर पैक या हेयर मास्क लगाने का मन करता है। तो आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करके देखो और इसका फायदा उठाओ। कुछ ही दिन में आपके बालों की सारी प्रॉब्लम चली जाएगी और बाल बहुत ज्यादा खूबसूरत और हेल्दी लगने लगेंगे। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूँ प्रिया। दोस्तों इस साल की ये पहली वीडियो है और आप सभी को मेरी तरफ से इस नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ये आने वाला साल आपके लिए और आपके परिवार और फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा खुशियों से भरा हुआ हो। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस DIY हेयर ग्रोथ सीरम को आप कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले आपको एक पैन लेना है, उसमें आपको डालना है 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी डाल लिया, उसके बाद आप इसको फ्लेम पे रख दीजिए। जब पानी हल्का सा गर्म होने लगेगा तो इसमें आप डालोगे 1 चम्मच आंवला पाउडर। और एक चीज का दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये सारी प्रोसेस आपको लो फ्लेम पे ही करनी है। दोस्तों आंवले के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, आंवला तो हमारे बालों के लिए वरदान है। आंवला हमारे झड़ते हुए बालों को रोकने में मदद करता है, बाल गिर गए हैं उनको दोबारा से उगाने में भी मदद करता है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है जो हमारे बालों को मजबूती देता है, बालों की जड़ों को मजबूती देता है और बालों की ग्रोथ को बूस्ट करता है। तो अगर आप अपने बालों पर आंवला लगाते हो इसका असर तो आपको दिखाई देता है, साथ ही आप आंवले को खा भी सकते हो। डेली 1 चम्मच सुबह या फिर शाम को पानी के साथ आप इसको लेंगे तो और दुगना इसका रिजल्ट मिलेगा। मैं भी ऐसे इस्तेमाल करती हूँ। इसके बाद आप दूसरा इंग्रेडिएंट डालेंगे फ्लैक्स सीड, यानी अलसी के छोटे छोटे जादुई दाने। ये आपको डालने हैं 2 चम्मच, इनको भी डाल के मिक्स कर लीजिए। दोस्तों इन छोटे छोटे अलसी के दानों में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, विटामिन ई होता है और भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारे बालों की ग्रोथ के लिए तो अच्छे ही हैं, साथ ही बालों में मजबूती देते हैं, बालों का टूटना रोकने में मदद करते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके बाल बहुत ज्यादा रूखे सूखे रहते हैं, बिल्कुल फ्रिजी हो गए हैं, उनमें जान ही नहीं है, तो ये उनको हाइड्रेट भी करता है और ये हमारे बालों में इलास्टिसिटी बढ़ाता है जिससे बाल कम टूटते हैं और मैनेजेबल भी होते हैं। तो इन दोनों इंग्रेडिएंट के बाद आपको तीसरा इंग्रेडिएंट डालना है इसमें करी लीव्स का पाउडर, या फिर आप करी पत्ते भी इसमें 8 से 10 डाल सकते हैं। करी पाउडर आपको इसमें 1 चम्मच डालना है और मिक्स कर लेना है। करी लीव का पाउडर या तो आप अमेजोन से ऑर्डर करके मंगा के रखे और इसको इस्तेमाल करें, या फिर करी पत्तों को सुखा के भी आप इसका पाउडर घर में बना सकते हो, मैंने आपको बहुत बार बताया है। अगर दोस्तों आप इसको इस्तेमाल नहीं करोगे इस सीरम को बनाते टाइम तो इसका फायदा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में बीटा कैरोटीन पाया जाता है, प्रोटीन, आयरन पाया जाता है, साथ ही ऐसे विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारे बालों की ग्रोथ को तो बढ़ाते ही हैं, हमारे स्कैल्प की हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो सिर्फ आपको इन 3 इंग्रेडिएंट को ही इस्तेमाल करके इस हेयर सीरम को बनाना है। तो लो फ्लेम पे इनको आप अच्छे से बॉईल करेंगे। आपको 5-6 मिनट तक तब तक बॉईल करना है जब तक जो फ्लैक्स सीड है जेल रिलीज ना कर दे। आपको जब चलाओगे तो आपको खुद इसमें थिकनेस महसूस होने लगेगी, चिपचिपा सा लगने लगेगा कि हाँ जेल फॉर्म होने लगा है, ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है। इसके बाद आपको एक कपड़ा लेना है, उस कपड़े में इसको डालना है और इसको स्ट्रेन कर लेना है, छान लेना है, कपड़े की मदद से अच्छी तरीके से ये छन जाता है। फिर आप इसको किसी भी ग्लास की बॉटल में या जो एयर टाइट कंटेनर हो उसमें स्टोर करके रख सकते हो। इसको लगाना बहुत ज्यादा आसान है। इसको आप अपने बालों के सिर्फ स्कैल्प पे लगाइए अगर आप ग्रोथ चाहते हैं, बालों का झड़ना रोकना चाहते हैं, और अगर आपके बाल बहुत ज्यादा फ्रिजी हैं, रूखे सूखे हैं, टूटते हैं, तो पूरे बालों की
लेंथ में भी इसको अप्लाई करिए और हल्का सा मसाज करें। अगर बाल ज्यादा टूट रहे हैं तो मसाज नहीं करनी है, हल्का सा ऐसे फैला दीजिए स्कैल्प पे और बालों को बांध लीजिए। शैम्पू करने से आधे घंटे पहले इसको लगाइए और अगर हो सके तो ओवरनाइट भी आप इसको छोड़ सकते हैं अच्छे फायदे के लिए। तो अगर आप चाहते हो जल्दी जल्दी इसका रिजल्ट दिखे तो हफ्ते में कम से कम 2 बार तो इसको जरूर इस्तेमाल करिए। और एक चीज, इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो लड़का है, लड़की है या फिर बच्चा है, क्योंकि इसमें हमने ऐसी चीजें इस्तेमाल की हैं जो कि हमारे बालों पे फायदा देती है, नुकसान नहीं करती। तो देर किस बात की दोस्तों, क्या सोच रहे हो, इसको बनाओ, इस्तेमाल करना स्टार्ट करो और इसका फायदा उठाओ। और आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर देना और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर देना व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे, जिससे वो भी इसका फायदा ले सके। और कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे देखनी है। तो जल्दी से कमेंट करिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप और अच्छी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं, और बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।